तारा भाई जोगिंदर ले तारा भाई जोगिंदर तो हे गाइज, मेरा नाम शरद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल ओलिक शरद। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ मसूरी। इस वीडियो के थ्रू ना मैं जितना लोएस्ट से लोएस्ट बजट हुआ मसूरी जाने का और वहाँ अगर पॉसिबल हुआ तो रहने का और घूमने का सारा खर्चा बताऊँगा, सबसे चिपेस्ट। और इस ब्लॉग के थ्रू जितना भी मसूरी में जो भी चीज़ें हैं उसको कवर करूँगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे आगे और आपको जितना भी मसूरी से रिलेटेड, जो भी मसूरी से रिलेटेड बातें होंगी वो सब बताऊँगा। वैसे बता दूँ कि मसूरी जो है वो उसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, मतलब कि पहाड़ों की रानी, सिंपल सा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो वेदर होता है घूमने का वो अप्रैल टू जून होता है। चीज़ और बताना था मुझे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे। अभी यहाँ हम जहाँ हैं, हम बाबूवाला में रहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है अभी 2 डिग्री के आसपास है, 2-3 डिग्री होगा। तो समझ सकते हैं जब यहाँ इतनी ठंड है तो मसूरी में कितनी होगी। इस वजह से आपके पास जितना पॉसिबल हो ना आप अच्छे से कवर करके पहन के जाओ। देख सकते हो मैंने स्वेटर, इनर सब पहन रखा है, उसके बाद मेरे पास ग्लव्स भी लेके जा रहा हूँ, कैप भी लगाऊंगा, फिर हेलमेट। और हेलमेट तो ऑब्वियसली लगाना अगर ड्राइव करना है तो, क्योंकि जितना आप सेफ्टी से जाओगे ना उतने सेफ्टी से घर आओगे। तो जितना पॉसिबल हो ना आपको ढक के जाओ, अपने आप को कवर करके जाओ और हेलमेट ज़रूर लगाना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। और यहाँ एक चीज़ अभी बता देता हूँ कि आपको अगर मसूरी जाना है ना, आप कहीं से भी आओ, देहरादून स्टेशन आओ, देहरादून पर एयरपोर्ट आओ और वहाँ से डायरेक्ट आप बस ले सकते हो। वहाँ से आप अगर चाहो तो आप टैक्सी रिजर्व कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप आ जाओ देहरादून स्टेशन, वहाँ से देहरादून स्टेशन से डायरेक्ट वहाँ से आप मसूरी के लिए बस ले सकते हो। वहाँ पे लाइन लगती है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो इतना बता दिया और जितना बजट होगा ना वो सब बताऊंगा आपको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं फुल रेडी, एकदम तैयार। इधर प्रीतम सोया है, इसका एग्ज़ाम है, शायद आवाज़ ना जा रहा हो। प्रीतम का एग्ज़ाम है, ये नहीं जा पाएगा। तो मैं जा रहा हूँ इसी की बाइक से और हो सके तो समय डायरेक्ट पहुँचे, वो अपने एक फ्रेंड के उसके रूम पर गया हुआ है। तो अब तो बाहर लाइट नहीं आएगी तो मैं निकल रहा हूँ, फुल एकदम तैयार हूँ, जूता वूता पहन के, तो दुख स्वेटर पूरा डाल के एकदम तैयार हूँ, निकल रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे आगे जल्दी। मसूरी जाते हुए एक मंदिर है, शायद अभी क्लोज है ये मंदिर का गेट, तो बंद है। मंदिर दिख रहा है भगवान जी, तो सारा ऑप्शन है बट अभी मंदिर क्लोज है तो मैं जा नहीं सकता। मिलता हूँ आपसे ऊपर ही। ये है मंदिर का मेन गेट, जब कि आपने देखा अभी। कहते हैं यहाँ बेस्ट मौसम जो होता है अप्रैल से जून तक होता है, बट मुझे तो लग रहा अभी बेस्ट है। हाँ ठंड है काफ़ी, बढ़िया से अपना पहन के आओ। और एक चीज़ है ना कि अगर अप्रैल से जून में आते हो तो बरसात होती है और बरसात में ना उस टाइम फॉग होता है हर जगह, तो दिखता नहीं है हर कुछ। और अभी जो सीनरी आ रहा है ना, बन कर मैं यही बैठ के एंजॉय करूं, लेकिन अभी जाऊंगा ऊपर, ऊपर जाना इम्पोर्टेंट है, ऊपर जाके मिलूंगा, लेकिन पहले एक बार सीनरी देखना। ये चढ़ते हुए पूरा जाना, घूमते हुए ऊपर पहुँचना, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होगा। बट ये नज़ारा देखो आप, मैं हूँ मसूरी में, यहाँ ठंड काफ़ी है। वैसे अभी धूप निकल गई है तो कम लग रही है, और मैं हूँ अभी 6500 फीट। बता
बता रहा था यहाँ आना मतलब कि जन्नत, ये जन्नत से कम नहीं है। तो पीछे जो आपको व्यू दिख रहा है, तो हमारे चहेते समीर सिंह, समीर सिंह इधर आओ, इधर 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 फाइनली ये आ गया। एक घंटा लेट कराया इसने, बट ये मिल गया। और हम मिले कहाँ हैं, हम काफ़ी अंदर मिले हैं, हम थोड़ा सा हाँ कैंप्टी फॉल के पास ही मिले। तो पहले अब कैंप्टी फॉल जाएंगे हम, और फिर यहाँ से जो प्लान होगा मिलेंगे आगे। इस होटल के व्यू दिखाओ कितना, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। उसने बोला फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, और ये ऑलरेडी मसूरी में था। ये लड़का ना अलग ही है। ये ऑलरेडी होटल वोटल लेके रह रहा था, तो फिर मुझे होटल आके इसे मिलना पड़ा, और फिर यहाँ से अब निकल रहे हैं कैंप्टी फॉल। मिलते हैं आपसे जल्दी अब कैंप्टी फॉल। मैं हूँ कैंप्टी फॉल आ गया, मतलब कैंप्टी फॉल में हूँ। और यहाँ आने के लिए जिस होटल के पास हम रुके हुए थे, उन्होंने बोला कि वहाँ से 3 किलोमीटर है, बट काफ़ी दूर था ये, लगभग 6-7 किलोमीटर है। यहाँ से फॉल दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ नीचे, फिर नीचे जाऊँगा तो वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये फॉल है, यही फॉल है, और नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता, उधर से उतर के जाना पड़ेगा। यहाँ से सीनरी देखो, व्यू देखो कितनी प्यारी है। इसे दिख रहा है फॉल, वही मेन है, ऊपर से आता है और काफ़ी नीचे, मेनली नीचे, बहुत ही नीचे जाना। यहाँ रोपवे फैसिलिटी भी है, आप अगर चाहे तो रोपवे से नीचे उतर के जा सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट फॉल के पास एकदम ले जाएगा। अभी हम यहाँ हैं, और थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे जाके घूम के तब नीचे जाना है। तो नीचे जाने का प्लान कैंसिल, यहाँ से हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर जाएंगे, क्योंकि ठंड में नीचे जाके आई थिंक कुछ है नहीं। अगर आप आओ इन्जॉय करने तो नीचे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको मेनली फॉल का मज़ा लेना है, तो वही अप्रैल और जून के बीच में ही आना होगा, वो ज़्यादा बेटर है ऑप्शन। तो नीचे नहीं जा रहे हैं हम, जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक, मिलते हैं आपसे वहीं जाके, क्योंकि ड्राइव करना है तो पॉसिबल नहीं हो रहा ड्राइव करके व्यू सीनरी दिखाना। जहाँ अगर अच्छा लगा तो वहाँ रुक के दिखाऊँगा। हमें गाड़ी यहाँ पार्क करना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता आपको वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत ही बुरा है ये। पता नहीं बारिश वारिश की वजह से या पता नहीं किस चीज़ के किसी कारणवश से ये बहुत बुरा हो चुका है। हेलमेट पहन पहन के ना बालों की ऐसी हालत हो गई है। देहरादून में आप कहीं भी घूमने जाओ ना, और आपको चढ़ाई ना करना पड़े, मतलब मीन्स ट्रैक ना करना पड़े, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी हम जा रहे हैं, और देख ट्रैक करके आ रहा हूँ पीछे से, लंबा चढ़ाई चढ़ के। तो मैं आपसे बता रहा था, मसूरी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री IAS और IPS एकेडमी के लिए मेन फेमस है। यहाँ जितने भी IAS और IPS जितने भी ट्रेन किए जाते हैं, यही होता है सारा मसूरी में, इस वजह से ये फेमस है। और आज से लगभग 150 साल पहले मसूरी का खोज हुआ था, फ्रेडरिक यंग ने किया था। तो ये बताना मेरे लिए लगा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया आपको। समीर हमारा ट्रैकिंग छोड़ेगा कि नहीं जिंदगी में कभी? नहीं, अभी तो नहीं छोड़ेगा, हर जगह ट्रैकिंग, हर जगह ट्रैकिंग करना पड़ता है यार। मद्रास किया, अब हमें जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, लेकिन मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। पहले क्या गूगल मैप में दिखाया हमें 600 मीटर चढ़ना है, फिर हमारे साथ धोखा ये हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है फिर 1 किलोमीटर चढ़ना है। अब देखिए आगे जाके फिर अगर दिखा दिया 2 किलोमीटर चढ़ना है, तब क्या होगा हमारा? ये तो बदलाव किए जा रहे हैं, ये बुरा हो रहा है हमारे साथ, और इसका बदला लेगा रे फैजल। थारा भाई जोगिंदर लेगा, थारा भाई जोगिंदर। अब देखते कितना देर और लगता है हमें ऊपर चढ़ने में। आप पहाड़ों में 1 किलोमीटर बहुत होता है, हम गया नहीं था मद्रास, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर था, कितने किलोमीटर चढ़े थे? 24 किलोमीटर चढ़े थे, ऑब्वियसली बात है। यहाँ से लॉन्ग रूट है, और ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट बहुत ही बुरा है। शॉर्टकट तो ऐसा है कि देखते हैं हम शॉर्टकट से हो सके तो जाएं, बहुत बुरा है ये रास्ता। और लॉन्ग कट थोड़ा सा है, लेकिन जाएंगे हम इसी से।
भद्रकाली ये रास्ता ऐसे पहाड़ों से खतरनाक रास्ता है। तारा भाई हर्ष बेनीवाल ने तो बवाल ही कर दिया। थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई धीरेन्द्र, ये थारा भाई कुछ और ही बोल दिया। इतने चलेंगे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। ओ भाई भी हमें यहाँ ऊपर चढ़ना है, वो ऊपर जाना है और ऐसे रोटेट करके राउंड राउंड करके बहुत लंबा रास्ता है। मैं हूँ अभी जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे, एकदम सबसे ऊपर हूँ। आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आ रहा है आके। यहाँ पाना चाहते तो आए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आते हैं। पहले नीचे लिखा हुआ था 1 किलोमीटर, बट वो 1 किलोमीटर नहीं था, वहाँ 1 किलोमीटर है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर, मतलब लंबा है ट्रैक, काफ़ी करना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन मज़ा आएगा। ऊपर भीड़ भी काफ़ी है, अभी देखना, अभी लोग देखेंगे आपको, व्यू का एंजॉय लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 23rd, मैं निकला था 22 को, और मेरा प्लान यही था कि मैं 22 को जितना कवर होगा कवर करके निकल जाऊंगा, बट यहाँ ठंड हुई रात में। हम निकले वहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट से, फिर हमारा खाने का प्लान हुआ, खाना खाएं, उसके बाद हुआ कि हम भरतराज के लिए फिर से निकलेंगे और वहाँ का दिखाएंगे कि मसूरी से कैसे जा सकते हैं। इतनी ठंड हुई ना वहाँ कि वापस हमें वहाँ से जाना पड़ा माल रोड, और माल रोड के बाद इतनी ठंड हुई कि वहाँ मैं आ गया होटल, और नेटवर्क गायब होने की वजह से समीर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तो समीर चला गया रूम, उससे रात में बात हुई मेरी। जब नेटवर्क आया, छत पे गया मैं, बात हुई उससे, तो वो रूम चला गया, तो मेरी तो उससे वो तो रूम चला गया, मैं फंस गया होटल, अकेले रात गुजार रहा हूँ ठंड में कैसे भी। अब हो चुका हूँ मैं रेडी, और अब निकलूँगा मैं यहाँ से, देखता हूँ अगर माल रोड वगैरह घूम के, और फिर डायरेक्ट रूम जाऊँगा, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ। रात में तो -3 डिग्री के करीब टेम्परेचर था, और आज यहाँ धूप भी नहीं। और जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका मैं लिंक दे दूँगा आपका, होटल का जो किराया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जो भी होटल का रेंट है वो लास्ट में बताऊँगा आपको, भी और लगा मेरा खर्चा जो भी हुआ वो सब लास्ट में ही आपको मैं बताऊँगा। तो स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिए ब्लॉग, और लास्ट एंड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पूरा इस वीडियो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा और कितना खर्चा किया मैंने। मैं आया हूँ अभी कंपनी गार्डन। पहले आप आओगे अगर 2-व्हीलर से हो तो 20 रुपये आपको नगर पालिका का मीन्स की गाड़ी पार्क करने के लिए देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हेड 25 रुपये लगते हैं, तो वो है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ व्यू, वैसे अच्छा है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था मेरे होटल से, 2-3 किलोमीटर रेंज का था। यहाँ आप कुछ ख़रीदना चाहते हो खरीद, अगर यहाँ फैमिली के साथ आते हो तो बहुत बढ़िया जगह है, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर आपको बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना है तो वो भी ख़रीद सकते हो, और यहाँ से व्यू भी देख सकते हो, व्यू भी बहुत अच्छी है, व्यू आपका भी देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सब कुछ बना रखा है। अभी देखो, आपको दिखाता हूँ। पहुँच चुके फिर माल रोड, यहाँ पे जाम काफ़ी है, गाड़ी मैंने पार्क कर दिया यहीं पे कॉर्नर पे ही,
अंदर ले जाने पे 100 रुपये टू व्हीलर का है और 4 व्हीलर का है 400 रुपये, बहुत महंगा यार, इसलिए मैंने गवारी पार कर दिया। अब ऑल रोड दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पार्किंग के लिखे हुए हैं 100 टू व्हीलर, अच्छा 2 व्हीलर 100 और 4 व्हीलर 150। क्या नाइंसाफी यार, 2 व्हीलर का कम कर देते, मैं यही लगा देता। यहाँ से विंटर्स के कपड़े खरीद सकते हो, विंटर्स के कपड़े बहुत सस्ते और सही दाम पे और सही मिल जाते हैं यहाँ, क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। और मुझे तो लगता है जो चीज़ अभी मेन देहरादून में नहीं मिले यहाँ मिल रहा है, विंटर्स के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है इनका। मैंने सुना था मॉल रोड कल रात में घूमूंगा, सब कहते हैं क्या कि स्ट्रीट लाइट, मतलब रात में जो लाइट होती है बहुत अच्छी लगती है, बट इतनी ठंड हुई कि मुझे बेड पे ही रहना पड़ा, निकल नहीं पाया मैं, बहुत ठंड थी, सोना पड़ा मुझे बेड पे ही। ये चीज़ दिख रही है कैमरे में तो आई थिंक नहीं आएगा, बट ये जो प्लेस है ना पूरा ऐसे दिख रहा है यहाँ कि पूरा एकदम देहरादून बसा हुआ है, और ये सब तो यही मसूरी का ही पार्ट है। कैमरे में आई थिंक अच्छे से नहीं आ रहा। तो मैं आ चुका घर, मसूरी ट्रिप मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना लगा। और सबसे पहली बात कि मैं मसूरी जो कैंपटी फॉल वाला रास्ता है वहाँ पे जाके रुका हुआ था, मतलब मसूरी से 3-4 किलोमीटर दूर था, क्योंकि होटल का रेंट थोड़ा वहाँ सस्ता था। अगर आप चाहे तो मेन मसूरी में रुक सकते हैं, वहाँ लगभग 1,000-1,500 में रूम मिल जाएंगे, और मैं जहाँ था वहाँ ओनली 450 रुपीज़ लगे थे मुझे, तो 450 रुपये हो गया। होटल का 2 दिन का लगभग 500-600 रुपये खाने का लगा था, और 500 का गाड़ी का तेल था। मीन्स टोटल खर्चा मेरा 1500 से लेके 1600 तक लगा, और मैं 2 दिन मसूरी घूम के आ गया। तो अगर आप चाहे तो मसूरी आए, और आप, मैं बोला था स्टार्टिंग में जैसे कि आपको कि चिपेस्ट बताऊंगा कि सबसे चिपेस्ट आप घूम के आ सकते हो मसूरी, तो आप 1500 से 1600 में आप घूम के आ सकते हो। अगर आप होटल में चाहो तो 2 लोग भी रुक सकते हो, रेंट उतना ही लगेगा 450। तो ये सबसे चिपेस्ट था, इससे चिपेस्ट अगर आप मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा या कोई दिखा पाएगा। तो अगर आप मसूरी जाए तो जरूर जॉर्ज एवरेस्ट जाए, माल रोड घूमे, कैंपटी फॉल जाए। धनौल्टी मैं नहीं जा पाया क्योंकि धनौल्टी दूर था और मैं अकेला था तो पॉसिबल नहीं था जा पाना। तो नेक्स्ट हो सके कुछ दिनों बाद मैं जाऊँ तो आपको बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप शेयर करें। और आगे कोई भी इशू हो या कोई भी आपको लग रहा हो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया या बता नहीं पाया, तो कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव था या क्या इशू थे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, बने रहिए मेरे चैनल पे, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा। बाय बाय।